हेलो फ्रेंड्स, मैं राजकुमार और मेरा वार्डबुक पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं बात करूंगा बाट का जो है ब्रीडिंग एज के ऊपर, यानी कि हर एक बाट का जो है अलग अलग ब्रीडिंग एज होता है, उसके बाद ही जो है वो ब्रीडिंग पे आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के ऊपर मैं आज बात करूंगा। और कुछ बाट ऐसा होता है कि ब्रीडिंग एज के आगे भी ब्रीडिंग कर लेता है। तो बाट का जो है एक ब्रीडिंग एज होता है, उससे पहले अगर हम बाट को ब्रीडिंग पे देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम होता है, उसको लेकर भी आज डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर देना, ताकि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए फ्रेंड्स। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी पेट शॉप से या कोई भी बिलर के पास से जो है हमारी पसंदीदा बाट हम खरीद कर लाते हैं, चाहे वो बजीज हो, पिंच हो, या कॉकटेल हो, या लाब बाट हो, उसको हम खरीद के लाते हैं। और 2-3 महीना बाद क्या करते हैं, नेस्ट बॉक्स या मटकी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन वो बाट जो है ब्रीडिंग नहीं करता है और अंडा ले नहीं करता है। यही प्रॉब्लम जो है सबके साथ होता है, और सब यही क्वेश्चन करता है कि बाट जो है हमारे बाट ब्रीड नहीं कर रहा है, अंडा ले नहीं कर रहा है। फ्रेंड्स, तो अंडा वो ले कैसे करेगा, ब्रीड कैसे करेगा, क्योंकि उसका जो है एज अभी ब्रीडिंग का नहीं हुआ है फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले मैं ये बात करूँगा कि बाट का जो है ब्रीडिंग एज के आगे अगर हम बाट को ब्रीडिंग पे देंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है, जो फास्ट प्रॉब्लम हो सकता है वो है एक बाइंडिंग का, क्योंकि अगर बाट का एज कम होगा तो बाट जो है एक ले करने के टाइम एक बाइंडिंग होकर मर सकता है। और दूसरा जो प्रॉब्लम होता है कि बाट अगर अंडा ले भी करे तो अंडा जो है अनफर्टाइल आता है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये जो है दो कारण है। और जो तीसरा कारण होता है वो होता है कि डेड इन सेल, यानी कि जो चिक्स होता है वो अंडे के अंदर ही उसका डेथ हो जाता है। और फोर्थ पॉइंट है कि बाट का चिक्स अगर अंडा हैच होने के बाद जो है बाहर निकले तो वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाता है, क्योंकि उसका इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है फ्रेंड्स। और कम एज पे अगर हम बाट को बीट पे देंगे तो बाट जो है समझ नहीं पाएगा कि उसको जो चिक्स है उसको क्या खिलाए और कैसे खिलाए। तो अगर ठीक ठाक से नहीं खिलाएगा तो भी जो है चिक्स का मौत हो सकता है। तो कंप्लीट ये हम कह सकते हैं कि बाट को अगर ब्रीडिंग एज के अगर ब्रीडिंग पे नहीं देंगे तो उसका जो रिज़ल्ट होगा वो 100 में से 10% हमको मिलेगा। तो हमको क्या करना चाहिए कि बाट को लाने के बाद जो है उसको एक टाइम देना चाहिए एडल्ट होने में। तो बाट को हम जो है 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, जो है यंग बाट, सेमी एडल्ट और एडल्ट बाट। ठीक है फ्रेंड्स, तो यंग बाट हम कैसे कहते हैं और सेमी एडल्ट किसे कहते हैं और एडल्ट किसे कहते हैं, ये हम कैसे पहचानेंगे। बाट जो है एडल्ट होने से पहले 2 बार अपनी जो है फेदर को गिराता है, यानी कि हम जिसे मॉल्टिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 2 बार मॉल्टिंग करता है। पहले बार मॉल्टिंग करता है उसे हम पाट्टा बाट कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, वो है सेमी एडल्ट बाट। ठीक है, और जब दूसरा बार जो है वो मॉल्टिंग फिर से मॉल्टिंग करेगा तो जो होगा वो एडल्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसे ही हम पहचान सकते हैं कि बाट कौन सा बाट है सेमी एडल्ट है, कौन सा एडल्ट है और कौन सा यंग है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो है यंग एडल्ट बाट हम कैसे पहचाने उस रिलेटेड भी मेरे चैनल पर एक वीडियो है, उसको आप देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कौन सा बाट यंग है, कौन सा बाट एडल्ट है। तो ऐसे ही हमको पता चल जाएगा कौन सा बाट यंग है और कौन सा एडल्ट है, उसके बाद हम ब्रीडिंग पे दे सकते हैं। और हमारे पास कोई भी बाट अगर हम खरीदे तो हम वहाँ से पूछ के लाए कि उसका एज जो है क्या है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि वो बाट जो है कौन सा एज है, और उसके बाद जो है मैं जो ब्रीडिंग एज बताऊँगा उसके बाद जो है वो टाइम देना है उस एज पे जाने तक, उसके बाद ही जो है हमें बाट को ब्रीडिंग पे देना है। और उसके बाद अगर हम ब्रीडिंग पे देंगे तो क्या होगा, बाट का जो ये 4-5 प्रॉब्लम मैंने बताया वो प्रॉब्लम नहीं होगा, और पहली बार से ही जो है बाट का अंडा जो है वो फर्टाइल आएगा और चिक्स भी जो है हेल्दी बाहर निकलेगा, और आपको भी जो है कोई भी परेशानी नहीं होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले जो बाट का ब्रीडिंग एज के बारे में बताऊंगा वो है बजीज बाट। बजीज बाट का जो है ब्रीडिंग जो एज होता है वो है 10 से 12 महीना। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन जो है 8 महीने के बाद, माने 8 महीने के बाद उस बाट का जो है हम ब्रीडिंग पे दे सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, उस एज पे अगर हम ब्रीडिंग पे देंगे तो भी बाट जो है अच्छे तरीके से ब्रीड कर लेता है, लेकिन उससे कम एज में हमें बाट को ब्रीडिंग पे नहीं देना है। और कोशिश ये करना है कि
हमें 12 महीने के बाद, 10 से 12 महीने के बाद ब्रीडिंग पे देना है। बाट जो है पूरा एडल्ट हो जाएगा और बाट का जो ब्रीडिंग रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा और बाट जो है बहुत ज़्यादा दिन तक जो है ब्रीडिंग करेगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद में बात करूँगा जो है जेब्रा फिंच के बारे में। जेब्रा फिंच का जो ब्रीडिंग एज है वो 8 से 10 महीना, लेकिन 6 महीने का बाद भी जो है वो बाट अच्छी तरीके से ब्रीड कर लेता है। लेकिन अगर आप 8 महीने तक बाट को रखेंगे तो बाट जो है और भी अच्छे तरीके से ब्रीड करेगा। और जेब्रा फिंच जो है बाट का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि पहला 2-3 बार जो अंडा ले करता है वो अनफर्टाइल आता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप अगर एडल्ट होने के बाद उस बाट को जो है प्यार पे देंगे, ब्रीडिंग पे देंगे, तो बाट जो है पहली बार से ही अंडा फर्टाइल आएगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद में बात करूँगा जावा बाट के बारे में। जावा बाट का जो ब्रीडिंग एज होता है वो है 14 से 16 मंथ, यानी कि हम बाट को जो है 1 साल के बाद भी ब्रीडिंग पे दे सकते हैं, अच्छे तरीके से ब्रीड कर लेगा। लेकिन कोशिश ये करें कि 14 से 16 महीने के बाद ही जो है जावा बाट को ब्रीडिंग पे दे, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि जावा बाट भी एक बहुत ही कमज़ोर बाट होता है, वो जो है ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो ले नहीं पाता है, ठीक है। इसके लिए उसको पहले से ही ब्रीडिंग पे देना नहीं चाहिए। और जावा बाट आप जब भी खरीदें तो कोशिश ये करें कि पहले बाट जो है ब्रीडिंग सीजन आए और पहले ब्रीड के बाद ही जो है बाट को खरीद ले, और उसके बाद से लेकर जो है नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन तक बाट को घर पे ही रख के अच्छा खाना वगैरह प्रोवाइड करें। उसके बाद जो है ब्रीडिंग सीजन आने के पहले ही आप ब्रीडिंग पे दे दें, तो आपको क्या होगा कि कंप्लीट जो ब्रीडिंग सीजन है उस टाइम पे आप ब्रीडिंग ले पाओगे। लेकिन अगर आप ब्रीडिंग सीजन के अंत पे जो है जावा बाट को खरीदेगा तो क्या होगा, वो बाट जो है एडल्ट नहीं होगा और नेक्स्ट सीजन में जो है 1 से 2 बार से ज़्यादा आप ब्रीडिंग ले नहीं पाओगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो उसके बाद में बात करूँगा कॉकटेल बाट के बारे में। कॉकटेल जो है एक बड़ा बाट है और उसको जो है एडल्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो उसका जो एडल्ट होने में टाइम लगता है 20 से 22 महीना, ठीक है। लेकिन जो है 18 महीना यानी कि 1.5 साल के बाद भी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीड कर लेता है। ये बाट को जो है 1 साल के बाद हमें ब्रीडिंग पे नहीं देना है, क्योंकि कॉकटेल जो है वो काफ़ी सेंसिटिव बाट है फ्रेंड्स, ठीक है। वो बाट को अगर आप पहले से ही ब्रीडिंग पे दोगे तो जो है ब्रीड प्रॉपर तरीके से नहीं करेगा और जो अंडा है वो बार बार अनफर्टाइल आएगा। तो आप भी जो है प्रॉब्लम में पड़ जाओगे और सोच में पड़ जाओगे कि क्या हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर इस टाइम पे ही आप वो बाट को दूसरे के पास जो है सेल कर दोगे तो क्या होगा, दूसरे के पास जाकर वो अच्छे तरीके से अंडा बच्चा कर लेगा और आपको लगेगा कि आप जो है ठीक ठाक से ट्रीटमेंट नहीं कर पाए, इसलिए जो है वो रिज़ल्ट नहीं दिया। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, उसका जो है एक प्रॉपर एज नहीं हुआ है, इसलिए उसका जो ब्रीडिंग है वो ठीक ठाक से नहीं हो रहा है, इसके लिए अंडा जो है अनफर्टाइल आ रहा है। तो कोशिश ये कर रहे हैं कि 1.5 साल के बाद ही जो है कॉकटेल बाट को आप ब्रीडिंग पे दें, ठीक है। और उसके बाद में बात करूँगा जो है लाभ बाट के बारे में, ठीक है। लाभ बाट को जो है एडल्ट होने में 16 से 18 महीना लग जाता है, लेकिन ये लाभ बाट को भी आप 1 साल के बाद अच्छे तरीके से ब्रीड पे दे सकते हो और वो काफ़ी आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीड कर लेगा। लेकिन उससे पहले अगर आप ब्रीड पे दोगे तो वो जो है बाट ब्रीड नहीं करेगा। और लाभ बाट का जो होता है मेल फीमेल पहचानने में काफ़ी दिक्कत होता है, इसीलिए आप ये समझ लोगे कि बाट जो है मेल फीमेल नहीं है, तो ऐसे ही करके आप बार बार बाट जो है सेल करोगे और बार बार खरीदोगे। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है फ्रेंड्स, आपको जो लाभ बाट है उसको एक टाइम देना है, उसके बाद आप देखोगे कि वो बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीड करेगा। और लाभ बाट का जो एग होता है वो ज़्यादातर फर्टाइल ही आता है, अगर 4 अंडा वो ले करता है तो 4 ही फर्टाइल आता है, 6 अंडा अगर ले करता है तो 6 ही फर्टाइल आता है, उसका अनफर्टाइल अंडा जो है वो बहुत ही कम आता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक टाइम देना है और 1 साल के बाद ही जो है लाभ बाट को ब्रीडिंग पे देना है, ठीक है फ्रेंड। इसके बाद हम बात करेंगे गोल्डियन फिंच के बारे में। गोल्डियन फिंच जो है काफ़ी सेंसिटिव बाट है और ये जो है जल्दी से बीमार भी हो जाता है, जल्दी से मर भी जाता है फ्रेंड्स। तो इसको जो है जो भी फ्रेंड्स पहले बाट पालते हो ये बाट को नहीं पाले, पहले फिंच से ट्राई करें, ठीक है। इस फिंच का जो है ब्रीडिंग पे आने पे बहुत देर हो जाता है, 16 से 18 महीना जो है एडल्ट होने में लग जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और इस बाट को जो है 1 साल से आगे आप ब्रीडिंग पे नहीं दो तो ये अच्छा है, क्योंकि इसके आगे पहले आप ब्रीडिंग पे दोगे तो ये काफ़ी सेंसिटिव बाट है, ये तो अंडा ले करेगा और अंडा फर्टाइल नहीं आएगा और ये बाट जो है खुद के अंडे पे नहीं बैठता है।
तो ये भी प्रॉब्लम आएगा कि वो अंडा ले भी करेगा तो अंडा का जो है हैच नहीं करेगा, उसके ऊपर नहीं बैठेगा। तो आप कोशिश ये करेगा एक साल के पहले इसको ब्रीडिंग पे ना दे, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप अगर ब्रीडिंग पे दोगे तो आपके पास जो है रिजल्ट ज़ीरो आएगा फ्रेंड्स। तो इसीलिए आप कोशिश ये करें कि एक साल के बाद ही इसको ब्रीडिंग पे दे, तो आपको जो है थोड़ा बहुत रिजल्ट आपको मिल जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद जो लॉन्ग टेल स्टार फिंच और आउल फिंच होता है उसको जो है एडल्ट होने में 14 से 16 महीना लग जाता है, लेकिन इसको भी गोल्डन फिश के तरह ही जो है एक साल के बाद जो है आप ब्रीडिंग पे दे सकते हो, ठीक है, अच्छे तरीके से अंडे बच्चा जो है कर लेता है। तो फ्रेंड्स मेरा वीडियो आज इसी के ऊपर था, वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करना और फ्रेंड में शेयर ज़रूर करना, और वीडियो को लेकर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट पे ज़रूर लिखना, मैं आपका कमेंट का आंसर देने के लिए कोशिश करूँगा आपका कमेंट का आंसर देने के लिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे फिर से नया कोई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।